So, अभी मैं सोच रही हूँ अगर मैं लड़का फ्री रहेगा उसका खाना बनिए, उसका खाना बनाने का भी टाइम रहता है, खाना भी बनाना पड़ता है ना उसको, तो अगर फ्री हो गया तो अभी हल्दी लगवा देंगे। नहीं फ्री होगा ओके ठीक है। और देखिए हल्दी के भाव क्या है, 250 रुपये किलो मिली है सूखी हल्दी, जो सूखी हल्दी रहती है उसको ही लगाते हैं जब जाके वो, अब कितना किलो मिलेगी ये तो बात अलग है। बट अच्छा तो लगाई है हम, अब लगाएंगे हम। और अब आपको मैं अच्छा सा टूर करवा देती हूँ, मेरे जो पोल्स दिख रहे हैं आपको उसका हो गया, उसे देख लेते हैं। ये भी एक अच्छा काम हुआ है क्योंकि पोल्स से क्या आप गिलकी लौकी भिंडी ना, गिलकी लौकी जो भी क्लाइंबिंग वेजिटेबल्स होती है उनको आप अच्छे से ऊपर चढ़ा सकते हैं। सो पोल्स का काम भी हो चुका है, एक काम तो कंप्लीट हो ही गया, अब दूसरा है सोइंग का, वो करवाना है। सो देखिए ये काम हमारा पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा भी है, कल मिर्ची में हमने राख डाली, बारिश आने से पहले हमने प्रोटेक्शन कर दिया ताकि मिर्च के पौधे को परेशानी ना हो। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, स्प्रेड देखिए अच्छी रो बन गई है, हर रो ऐसे ही बनी है, बहुत फायदा रहता है इससे, प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है, बारिश में आपको सब्जियां धोने की दिक्कत नहीं आती। और साल 2 साल चल जाएगी, ये हमको एक बल्ली पड़ी है पूरी, ये 12 फीट की थी, 30 रुपए की एक बल्ली, सो अच्छा है रेट। सो आज हमारे लड़के से हमने कहा था कि पोल्स का काम कंप्लीट कर दिया, उन्होंने कर भी दिया होगा, देखते हैं। इतना बड़ा आम का पेड़ कैसे हिल रहा है देखिए, बहुत तरह तरह के पक्षी होते हैं यहाँ। हमने कल दाल और मक्का लगाई थी, ये कद्दू की बेल चल रही है अंदर इंटरक्रॉप में पपीते के साथ, कुछ में फूल भी आ गए, चलिए आपको छोटी सी गिलकी दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये छोटी सी गिलकी, ये फीमेल फ्लावर है, अगर इसके नीचे गिलकी नहीं हो और ये इस तरह से येलो फ्लावर हो तो वो मेल फ्लावर होता है, पॉलिनेशन के लिए मेल और फीमेल फ्लावर दोनों बहुत ज़रूरी है। मेनली एक बेल में बहुत सारे आपको मेल फ्लावर ही मिलेंगे, कम फीमेल होते हैं। इसमें ऐसे गिलकी के फ्लावर्स अच्छे दिख रहे हैं, दिख रहा कितनी गिलकी बन पाती है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिनेशन अच्छे से होगा तो ही गिलकी बन पाए। और ये कद्दू है, दिखा देती हूँ।
सनबर्न हो गए थे, जल गए थे। सो कभी भी आप पपीता लगाएं सो उसको कवर करें या थोड़ा पास पास लगाएं, सो सनबर्न नहीं होगा। इस पपीते में देखिए कितने सारे पपीते हैं, ये पाली बन रही है आप देख रहे होंगे, और इतने में हमारी हल्दी लग चुकी है। वीडियो शूट नहीं कर पाई, अब उस बाकी में लगेगी, मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए जैसे मैं खड़ी हूँ क्रॉस में, जिसकी चौड़ाई और हल्दी अच्छी रहती है। 6 महीने में तैयार होगी, बट इंटरक्रॉप के लिए बढ़िया है। ये इंटरक्रॉप कंप्लीट होगी, ये चालू हो जाएगी, 6 महीने ये रहेगी, और घर की हल्दी की तो बात ही अलग है। जा नहीं सकते, घर हल्दी कितनी महंगी है। ये हमको 250 रुपीज़ केजी का बीज मिला, हम देखते हैं कितनी हल्दी इसमें से निकलती है। इस तरह से ये पाली है। आपको अगर इसकी हाइट दिखा देती हूँ, इस तरह की हाइट जमीन से, इसके ऊपर इधर से बीज रख के। सो गाइस देखिए ब्यूटीफुल सन, अब सेट होने का टाइम आ गया, और हमारी हल्दी लग चुकी है। हल्दी बहुत आसानी से लग जाती, बहुत जल्दी लगे, हमने तो 1 किलो ही लगाई थी, अब और लाएंगे और लगाएंगे। सो क्योंकि लड़के के हाथ में अभी तकलीफ हो रही है, हाथ में छाले हो गए ये पोल्स लगाने में, सो उसे अभी रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम भी ह्यूमन बींग हैं। सर्वेंट का मतलब ये नहीं कि वो काम ही करता रहे। सो अब हम कल सारे प्लांट को ट्रांसप्लांट करेंगे, कुछ लोगों को और बुलाए, देन फिर हम वेट करेंगे पानी कब आता है। पानी ज़रूरी है इसके लिए। सो यही था आज के व्लॉग में, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किया, चैनल को बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। ये टर्मरिक जो मैंने लगाई है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि आज 9 जून है, 8 है, एक मिनट देख लेती हूँ, आज 8 जून है, 8 जून को हमने टर्मरिक लगाई है, और अब हमको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। देखिए कितना किसान को पेशेंस रखना पड़ता है, उन कस्टमर को 2 मिनट में चीज़ मिल जाती है। सो सपोर्ट कीजिए किसानों को, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, ज़रूरत हो तो बाहर जाइए। अपनों का ध्यान रखिए, अपने से बड़ों का ध्यान रखिए, अपने पेट्स, स्ट्रे डॉग्स, बर्ड्स सबका ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए बस। और वैक्सीनेशन प्रोसेस, और मैं हाथ तो बढ़ाई है सही, पर वैक्सीन जरूर जल्दी लगवा लीजिए, एंड सबको एंकरेज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ हैप्पी डे।